Hello guys, welcome back to my channel Empathetic Nurse. So today I am here with the very important topic, that is career counseling in nursing or career counseling after graduation in India. Friends, हम सबको पता है कि एक नर्सिंग ग्रेजुएट होना बहुत ही डिफिकल्ट है. हमें कम से कम 22 सब्जेक्ट और इससे ज्यादा ही पढ़ने पड़ते हैं, तब हम अपने आप को एक नर्सिंग ग्रेजुएट बोल सकते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. क्या मैं इंडिया में ही कंटिन्यू करूं या मैं अब्रॉड में. बट यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि करियर काउंसलिंग बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, जो हमें किसी भी बुक या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही हमें कोई गाइड करता है. सो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आफ्टर ग्रेजुएशन दो मेन अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके लिए. फर्स्ट इज टीचिंग, सेकेंड इज क्लिनिकल्स. टीचिंग में आप एमएससी नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में एज अ टीचर आप जॉब कर सकते हो. देन इन क्लिनिकल्स आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो एंड प्राइवेट सेक्टर में. देन थर्ड इज एमएनएस, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. सो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद प्राइवेट सेक्टर. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एंट्री लेना बहुत ही इजी होता है. इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको एंट्री मिलती है. एंड इसमें आप ग्रेजुएट होके सडनली आपकी जॉब लग सकती है. एंड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है लेस सैलरी. इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर में 10,000 to 15,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, विच इज वेरी लेस. सेकेंड डिसएडवांटेज इज जॉब अनस्टेबिलिटी, इसमें आपको कभी भी फायर किया जा सकता है. थर्ड डिसएडवांटेज इज ओवरबर्डन और ओवरवर्क, इसमें आपको जितना डेजिग्नेटेड आवर्स दिया है उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ सकता है और साथ साथ आपको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं मिलता. सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हाईली पेड सेक्टर है, जिसमें एक्चुअली हमारी डिग्री को जस्टिफाई किया जाता है. बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 से होती है, इसमें आपकी धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें आपका हर साल अलाउंसेस में ऐड होकर मिलता है. प्लस अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपका वो भी ऐड होकर मिलता है. सो सेकेंड एडवांटेज इज जॉब स्टेबिलिटी, इसमें आपको कोई रातों रात फायर नहीं कर सकता. थर्ड एडवांटेज इज आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स, फैमिली डिपेंडेंट बेनिफिट्स और मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड सो ऑन. तो इतने सारे एडवांटेजेस के बाद एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट इज हाई कंपटीशन. बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज बहुत कम निकलती है एज कम्पेयर टू दी एप्लीकेंट्स. लेट सपोज अगर 50 वैकेंसीज निकली है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको 50,000 कैंडिडेट्स मिले एंट्रेंस एग्जाम में. तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करना डिफिकल्ट होता है, बाकी सब आगे स्मूथ होता है. सो वो आपको पता है कैसे होगा, जब आप हार्डवर्क करोगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तभी हो. सो अब टीचिंग की बात करें तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज एमएससी नर्सिंग जरूर करें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होगा. आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट पर लग सकते हैं एंड फर्दर सो ऑन. सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ एमएससी नर्सिंग ऑप्शन. एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन न्यूरो साइंस, एमएससी इन रीनल साइंस एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, एमएससी इन मेडिकल सोशियोलॉजी, एमएससी इन नर्सिंग, एमएससी इन गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग. सो मैं आपको एक जरूरी बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के लिए जाना है तो आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट. एम्स, आरके, सीएमसी, जिपमर,
AFMC, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, दयानंद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड वन मोर थिंग, नर्सिंग स्टूडेंट कैन ऑल्सो वर्क विद चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सच एज ओल्ड एज और ऑर्फनेज एज होम केयर नर्स। एंड लास्टली, अगर आपको किसी स्पेशलाइज यूनिट में वर्क करना है तो आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर वन ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं, बट आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ही कम लोग करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे ऑप्शंस बताऊंगी, तो मैं आपको एक ये भी ऑप्शन बताऊंगी। एंड सेकेंड ऑप्शन इज एब्रॉड। सो इस टॉपिक पे मैं आपको सेकेंड वीडियो में डिटेल बताऊंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।